हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितुरा और आप सभी का स्वागत है हमारे रेसिपीज़ की किचन में। आज हम बना रहे हैं जीरा राइस रेसिपी। तो ये बिल्कुल सीक्रेट टिप्स के साथ में है जिसे आप बहुत पसंद करेंगे। और अगर भी ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसके नीचे का लाइक का बटन प्रेस करें, साथ में जो नई रेसिपीज़ के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो ये बेल आइकन है इसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो इसे बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, यहाँ मैंने लिए हैं चावल। जो चावल यूज़ किया है ये है पुलाव वाला चावल। आप किसी भी ग्रॉसरी स्टोर में जाएंगे और पुलाव वाला चावल बताएंगे तो वो आपको यही चावल दिखाएंगे, थोड़े लंबे से दाने होते हैं। और लिया है एक चम्मच तेल, और एक चम्मच तेल लिया है तो आधा चम्मच घी लिया है यहाँ हमने। और ली है एक छोटी साइज़ की प्याज ली है, और साथ में दो हरी मिर्च जिसे हम स्लाइस करेंगे। और लिया है दो तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मसाला इलायची स्टार फ्लेक, और लिया है एक चम्मच ज़ीरा, और लिया है यहाँ स्वाद अनुसार नमक। तो इसे बनाने के लिए अभी शुरू करते हैं। तो हमने जो पैन लिया है ये थोड़ा हेवी पैन लेना है आपने, और उसमें डाल दिया है तेल। फ्लेम को हमने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करनी है। और डाल देंगे साथ में घी, और जैसे ही ये गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे हमने जो मसाले लिए हैं वो। तो हमने साबुत मसाले इसमें डाल देना है, और साबुत मसालों को थोड़ा सा फ्राई करना है। ये नहीं कि हमने बस डाल दिए और उसके बाद में तुरंत में आगे की प्रोसेस की, ऐसा कभी नहीं मत कीजिएगा। ऐसा करने से इसके जो फ्लेवर्स है वो निकल के नहीं आएंगे। तो हमें जब भी इसमें आप खड़े मसाले यूज़ करते हैं तो पहले उसे थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ मैंने 1 से 1.5 मिनट तक इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं उसका कलर भी चेंज हो गया है। और आप डाल देंगे ज़ीरा। तो ज़ीरा जैसे ही थोड़ा सा तड़कने लग जाता है तो हमने जो स्लाइस की हुई प्याज है और हरी मिर्च है इसे डाल देंगे, और फ्लेम को कर देंगे कम, और इसे अच्छे से सॉटे कर लेना है ताकि जो हमारी प्याज और हरी मिर्च है ये अच्छे से पक जाए, और प्याज का जो कलर है वो हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, और हरी मिर्च का भी कलर चेंज हो गया है। तो हमने जो चावल को धो के रखा था, मैंने पहले ही इसे धो के छन्नी में रख दिया ताकि इसका जो पानी है वो निकल आए। और अब जो हमने चावल डाल दिए हैं तो इसे हम लगभग 1 से 2 मिनट पहले अच्छे से इसे इसमें मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्लेम जो है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम रखनी है। मैं बार बार इसलिए आपको फ्लेम के बारे में बोल रही हूँ क्योंकि ये जो चावल बनते हैं खिले खिले से किस तरीके से बनना चाहिए ये आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस तरीके से अगर आप करेंगे तब आपके चावल और भी अच्छे खिले खिले से बनेंगे। और साथ में डाल दिया है अब नमक। तो 2 मिनट हमने पहले इसे यूं ही अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद में इसमें नमक डाला। वापस हम 2 मिनट इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे ताकि जो चावल हैं वो मसाले और तेल के साथ में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। और ये जो है जो खिले खिले बनने के जो सीक्रेट है ये फर्स्ट टिप है इसकी, कि आप अगर इस तरीके से करेंगे तो आपके चावल बिल्कुल नहीं लगेंगे और बहुत अच्छे से बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे और टूटेगा नहीं चावल। तो इस तरीके से करने से चावल कभी टूटता नहीं है। और अभी जिस ग्लास से हमने चावल लिए थे सेम उसी ग्लास से हमने यहाँ पानी डालना है। तो मैंने 1 ग्लास डाल दिया है, और अब डाल देंगे 3/4 ग्लास। तो यहाँ हमने 3/4 ग्लास भी डाल दिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसे हम ढक देंगे, और ढक देने के बाद में इसको फ्लेम को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हैं चावल अच्छे से बॉईल हो रहा है हमारा। और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स इसलिए हम बार बार 1 से 2 बार हमें ये इस प्रोसेस में करना है क्योंकि जो इसके मसालों का जो फ्लेवर है वो अच्छे से निकल आता है। इसलिए हम इसे वापस 5 मिनट बाद में और एक बार इसे वापस मिक्स करेंगे। तो एक बार मिक्स हो चुका है, अभी हम इसमें ढक्कन ढक देंगे। ठीक 5 मिनट्स के बाद में हमने वापस इसे खोला है, और अब आप देख सकते हैं चावल काफ़ी हद तक इसका पानी सूख चुका है, और जो थोड़ा जो पानी बचा है वो भी बिल्कुल सुखा लेना है। तो एक बार इसे वापस मिक्स कर लेंगे हम, और अब हमें फ्लेम को जो है बिल्कुल कम कर देना है।
तो इसे हमने बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जो ये बीच में कई मैंने वीडियोस देखे हैं उसमें बताया कि आप ये मसालों को निकाल सकते हैं, ये कभी गलती मत कीजिए आप। जब तक आपका चावल पूरा पकता नहीं है, अगर मसालों में बना रहे हैं तो ये तेज़ मसाले जो होते हैं ये कभी भी बीच में मत निकालिए, जब तक कि आपका पूरा रेडी नहीं हो जाता और ठंडा नहीं हो जाता है। मसालों को कभी नहीं हटाना चाहिए। अभी हम इसमें वापस ढक्कन ढाक देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने 5 मिनट्स तक ये पका लिया है और पानी पूरी तरीके से सूख चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं जो चावल हैं किस तरीके से खिले खिले बने हैं और एक भी हमारा चावल का दाना टूटा बिल्कुल नहीं है। तो हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है और चावल को एक बार वापस अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो अगर आप सर्विंग प्लेट में निकाल कर फिर हरा धनिया से अगर गार्निश करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, बट मुझे अभी गार्निशिंग इसलिए करनी पड़ी क्योंकि अभी मुझे सर्व करना है। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप अपने भी एक्सपीरियंस मुझसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा चावल किस तरीके से खिला खिला बना है। यहाँ दाने भी देखिए, बिल्कुल दाना हमारा टूटा नहीं है, बिल्कुल साबुत दाना है और बहुत अच्छे से पक चुका है कि मैश करने से तुरंत मैश भी हो रहा है। तो अपने अनुभव मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।